विधानसभा के मॉनसून सत्र की। दरअसल लगातार हंगामेदार रह रहा है मॉनसून सत्र, और इसी बीच सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने एक बयान भी दिया है। जोहार। आप सब लोग जानते हैं कि पांचवें विधानसभा का यह आखिरी सत्र है और पांच दिन इस सरकार के पास बचे थे, पहले दिन के शोक प्रस्ताव के बाद, जिसमें इनको बिजनेस अपना करना है। यह सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, जहां किसी की भी आवाज नहीं सुनना पसंद करती है। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, देश राहुल गांधी जी को बर्दाश्त कर रहा है बतौर एलओपी लीडर ऑपोजिशन। देश राहुल गांधी को सुन रहा है, वो जो भी कह रहे हैं उनको सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई अगर नहीं सुनेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन झारखंड में बतौर एलओपी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बाइक बंद कर दी जाती है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है, और लगातार स्पीकर जो है पूरी तरह से कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है, एक सीमा होती है। अंततः हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन देना प्रारंभ किया है स्पीकर के व्यवहार पर। जिस तरह से स्पीकर महोदय ने न्यायालय के आदेश, न्यायालय का डायरेक्शन, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनका जो है सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए दिया गया, लेकिन स्पीकर महोदय ने खुद से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला नहीं है, ये सीधे कोर्ट का अवमानना है। आप भी एक वैधानिक बेंच को नेतृत्व करते हैं और वहां कोर्ट को आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से बयान देकर के। ये कई एक उदाहरण है, यहां वो एक अध्यक्ष से ज्यादा एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा देखे जाते हैं। आज हम लोगों ने कहा कि भाई आप लगातार विपक्ष के सदस्यों के आवाज को दबाने के लिए, उनको लय को तोड़ने के लिए, जैसा लग रहा है कि भाषण नहीं हो रहा है कटौती प्रस्ताव पर, बहस नहीं हो रहा है बल्कि डिबेट हो रहा है, वो डिबेट करने लग जाते हैं। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने बताया, और जब स्पीकर महोदय ने हम सबको सुनना बंद कर दिया, नहीं सुना, तो हम लोगों ने आज सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करके बाहर निकलने का काम किया। मैं एक बड़े गंभीर कल मैंने बांग्लादेशी घुसपैठ और बांग्लादेश घुसपैठ के साथ वहां जो किस तरह से मुसलमानों को एससी का सर्टिफिकेट देकर के वहां उनका हक मारा जा रहा है, और कई एक अनाबादी जमीन जो सरकारी जमीन होती है एसपीटी से आच्छादित होती है, उसको किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा वो अपना जो है बसाया जा रहा है, और उसका जो है रजिस्ट्री के बाद उसका जो है म्यूटेशन भी कराया जा रहा है, उसके विषय में बताया था। अभी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो दलित आदिवासियों की बात करती है सरकार में, अभी चौकीदार की बहाली निकली है और पूरे राज्य के अंदर चौकीदार की बहाली में आरक्षण को शून्य कर दिया गया है एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए। मेरा सीधा सवाल है, ये आरक्षण समाप्त करने का जो आप झूठा अपप्रचार लोकसभा चुनाव के दरमियान कर रहे थे, हाथ में संविधान लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, आप क्या बताएंगे कि भाई आपने किन कारणों से दलितों के आरक्षण को, झारखंड में पिछड़ों के आरक्षण को आपने खत्म किया, किन कारणों से आपने चौकीदार की बहाली में दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया? ये कांग्रेस और जेएमएम, राहुल गांधी जी और उनके दलित प्रेमी होने का ढोंग जो कहते हैं, और राहुल गांधी जी से जो कांग्रेस के नेता है, जो नेता विरोधी दल है देश का, मैं उनसे जानना चाहता हूं, आप बताइए कि किस आधार पर इस झारखंड प्रदेश में दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया चौकीदार के बहाली में? वहीं जहां वन रक्षक में रेंजर की बहाली निकली है उसमें भी दलितों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। ये जानबूझ करके ये सरकार जो दलित विरोधी सरकार है, और लगातार कई एक उदाहरण इसका दलित विरोधी चेहरा का है, चाहे आयोग अनुसूचित जाति आयोग का गठन ना करना हो, चाहे रांची के मेयर पद को जिस तरह से घोषित होने के बाद हटाना हो, कई एक वैकेंसियों में लगातार दलितों के आरक्षण को शून्य करना हो, और ताजा यह कार्य उन्होंने किया है, आरक्षण को सभी जिलों में शून्य कर दिया है। इसका जवाब कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके नेता यहां के, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह जवाब हम लोग चाहते हैं कि भी किस कारण से आपने दलित और पिछड़ों का आरक्षण चौकीदार की बहाली में आपने शून्य कर दिया पूरे झारखंड प्रदेश में। धन्यवाद।